Hey Google, play meditation music. Days seem sometimes as if they'll never end. Here's a Spotify playlist called This Is Meditation. Sometimes it feels to torture me, but after sunny days, when things stay the same, rises the गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं आपके। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का व्लॉग देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। अर्लियर आपने देखा कि मैं नहाने के लिए जब गई, उसके बाद मैंने शूट नहीं किया क्योंकि हिम्मत की फर्स्ट ब्रेक हो गई थी। तो मैंने उसको फीड किया, उसका फर्स्ट मील, और देन मैं बिजी होगी फालतू फालतू चीज़ें करने के लिए। और मैं ऑलमोस्ट भूल गई थी कि आज मेरी किसी के साथ मीटिंग है, सो उसके लिए मुझे जल्दी से रेडी होना पड़ा। सो आ चुकी हूँ मैं वो सारे काम फिनिश करके। और आज हमारी एनिवर्सरी है, हमारी मैरिज एनिवर्सरी 5th नवंबर को, एंड हमारी शादी को 12 साल पूरे हो चुके हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। आज कोई स्पेशल प्लान नहीं है फिलहाल के लिए, देखते हैं जैसे दिन बढ़ता है कि क्या करेंगे। कल करवा चौथ था। आई होप आपने करवा चौथ का व्लॉग ऑलरेडी देख लिया होगा। एंड कल मैंने मेरी एनर्जी को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया और घर में बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर हो गया था। जब कोई फेस्टिवल मनाते हैं आप तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं, पर मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, रिलैक्स करूँगी, इन्जॉय करूँगी, मेडिटेट करूँगी, और ऐसे ही मैंने सारा दिन बिताया। एंड दूसरी चीज़, फिर जब रात को हमने खाना खाया और मेरे पास एनर्जी नहीं थी किचन को क्लीन करने की, जिसकी वजह से किचन बहुत ज़्यादा नीचे मैस है। मैंने चीज़ों को इकट्ठा करके क्लीन करने के लिए भी नहीं रखा, जैसे वैसे छोड़ दिया कि कल सुबह करूँगी, इट्स ओके। वैसे ज़्यादातर मैं ऐसे करती नहीं हूँ, हमेशा मैं क्लीन करके सोती हूँ क्योंकि मुझे अच्छी नींद आती है जब मेरा घर क्लीन हो, किचन क्लीन हो। अगली सुबह जाके मुझे अच्छा फील होता है कि या तैयार हूँ मैं काम करने के लिए। पर कल मैंने किया नहीं है और अब भी बहुत ज़्यादा गंद है। और इस वीकेंड पे, आज ऑलरेडी थर्सडे हो गया है, वीकेंड पे मैंने लॉन्ड्री को धो के तय करके पूरे टाइम पे, उसी दिन सैटरडे संडे ही मैंने मैनेज करके अपस्टेयर पहुँचा दिया था। पर अभी भी वो मैंने जगह जगह पर सेट नहीं किया है, अभी मुझे वो करनी है। देन मैं अराउंड 40 मिनट्स नीचे स्पीड क्लीन के लिए स्पेंड करूँगी। उसके बाद मुझे करवा चौथ का व्लॉग एडिट करना है और एक फिनिश करनी है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल वीडियो की एडिटिंग। एंड आज बहुत बिजी दिन होने वाला है मेरे काम के लिए, और बिकॉज आज मेरी एनिवर्सरी है तो मैं आज भी ब्लॉग शूट करना चाहती हूँ, एनिवर्सरी स्पेशल। और इसलिए मैंने सोचा कि आ जाती हूँ, देखा देखा जाएगा, सारे काम हम करेंगे साथ साथ। एंड यस, सबसे पहले शुरू करते हैं कपड़ों को मैनेज करने से। और बहुत दिन हो गए कि मैंने फ्लोर को क्लीन नहीं किया। जब फ्लोर क्लीन हो जाता है तो फिर ऐसे लगता है कि आधा काम डन हो गया, देन आप ऑर्गेनाइज कर लें, डस्टिंग कर लें, पर फ्लोर क्लीन करना आज बहुत ज़्यादा मेरा इंपॉर्टेंट टास्क है। सो यस, विदाउट फर्दर ड्यू शुरुआत करते हैं हमारे कामों की। सबसे पहले मैं लेके आती हूँ बकेट लॉन्ड्री की। जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड्स। ओके दोस्तों, तो मैं छुट्टियाँ मनाने के लिए जा रही हूँ। लुक एट दिस लॉन्ड्री बकेट, कितनी हैंडी है, आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है, पर बिकॉज मुझे डाउन स्टेयर से आना पड़ता है तो उठानी पड़ती है। सो यस, हिम्मत ने कुछ कुछ को ख़राब भी कर दिया है ऑलरेडी। कितना समय लगता है फोल्ड करने के लिए, और हिम्मत एक सेकंड में ख़राब कर देता है। ओके, कुछ गंदे भी रख दिए उसने।
दोस्तों, तो मैं वापस आ चुकी हूँ घर की सफाई करने के बाद। अब घर बेटर लग रहा है, बहुत मज़ेदार सफाई मैंने नहीं की है, मैंने सिर्फ अच्छे तरह क्लीन कर लिया कि मुझे अच्छा फील हो। सो अब बारी आती है एडिटिंग शुरू करने के लिए, पर मेरी एनर्जी इतनी ज़्यादा खर्च हो चुकी है ये काम करने के लिए। अहमद की लंच ब्रेक हो गई थी, उसे फीड किया है मैंने, एंड अब वो अपस्टेयर जा चुका है और मैंने हमारे अपस्टेयर का वॉशरूम क्लीन किया। हिम्मत रूम में बहुत ज़्यादा समय स्पेंड करता है आजकल, क्योंकि वो सारा दिन क्लास वहीं पर लेता है, क्योंकि मैंने रूटीन बना लिया है कि नीचे नहीं आना है, ताकि उसको लगे कि वो क्लास में है, उसे पीस मिले, उसे परेशानी ना हो, वो स्पेस उसका सिर्फ पढ़ाई में लगे कि या ये पढ़ने वाला प्लेस है। सो वहीं पे वो बैठता है तो बहुत मैस कर देता है, उसने कारपेट पे इतनी सारी मैस करके रखी थी, तो जब उसकी ब्रेक थी वो खा रहा था, तो मैंने उसका रूम भी वैक्यूम कर दिया, क्लीन कर दिया, डस्ट कर दिया, हमारे रूम का वॉशरूम भी कर दिया, हमारे बेडरूम भी कर लिए, क्लॉजेट भी, बहुत सारा काम किया यार। मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा करूँ, पर जब मैं करना शुरू करती हूँ तो बहुत बहुत सारी चीज़ें कर लेती हूँ, पर ऐसे मैंने कुछ नहीं किया है कि मैं मुझे लगे कि अब मुझे और एक वीक क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत है अभी वीकेंड पे मुझे फिर से क्लीन करना पड़ेगा। सो या ये क्लीनिंग की स्टोरी फिनिश होती है, अब हम दिन के साथ कंटिन्यू करते हैं। अब मैं एडिटिंग करना शुरू करने वाली हूँ, सबसे पहले मैं करवा चौथ की वीडियो को एडिट करूँगी। मेरी कोशिश होने वाली है कि आज वो वीडियो अपलोड हो जाए, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं कि वो देखना चाहते हैं। इतना कोई स्पेशल व्लॉग वो है नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं करवा चौथ सेलिब्रेट करती हूँ, कोई आलतू फालतू शंगन मंगन लाइक नहीं करती हूँ मैं, बहुत सिंपल होता है मेरा करवा चौथ, जो आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। उससे पहले मैं लेने वाली हूँ एक चाय की ब्रेक। मैंने कुछ भी नहीं खाया सुबह से यार, काम करते करते कुछ पौधे मुझे लगता है कि बेचारों को थोड़ा पानी की ज़रूरत है, तो मैंने और भी बहुत सारे पौधों को पानी भी दिया है। अब मुझे इसकी भी ना थोड़ी शक्ल बेचारे की गरीब सी लग रही है, वैसे इसकी सॉइल चेंज करने वाली है। अगर आप इंडोर प्लांट्स के लिए इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल पर एक स्पेशल वीडियो है इंडोर प्लांट्स की मेरी कलेक्शन, और मैंने उसमें काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर किए हैं कि आप अपने प्लांट्स को हरा भरा कैसे रख सकते हैं। सो इसको पानी दे देते हैं बेचारे को, एंड चाय बना लेती हूँ। जो पानी अच्छी तरह पी चुके हैं उनको वापस उनकी जगह पे पहुंचा देते हैं। ये जो प्लांट है ना, इसको सॉइल की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इसमें से सॉइल बिल्कुल ख़त्म होगी और सिर्फ रूट्स ही रूट्स रह चुकी हैं, और मुझे जाना पड़ेगा सॉइल लेने के लिए। आई थिंक इस वीकेंड पे लूँगी मैं, चाय बनाऊँगी मैं। आई लाइक स्टीप टी बेटर चाय से, क्योंकि ये बहुत क्विकली बन जाती है और मुझे बहुत ज़्यादा हैसल नहीं करना पड़ता। सो यस, और कल की बची हुई थोड़ी सी मट्ठी है, इस पर मैं आम का अचार लगा के खाऊंगी। आप मुझे बताना कि आप भी आम के अचार के साथ खाते हैं। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि हम सॉल्ट ऐसे ऊपर लगा के खाते हैं, पर मैंने उनको आम का अचार लगा के दिया तो उन्हें बहुत डिलिशियस लगी। अगर आप भी मेरे रीजन्स हैं तो आपको भी आम का अचार लगा के खाते होंगे, जो जो फीकी होती है, जिसमें कोई फ्लेवर नहीं होता, लाइक जिसमें कोई शुगर या सॉल्ट नहीं होता, उस मट्ठी पे बताना। ये क्वेश्चन है आपका आज। चाय रेडी है, अम का अचार रेडी नहीं है। हिम्मत का स्कूल आखिरी पीरियड रह गया आज। ओके, हिम्मत के स्कूल में आजकल पीरियड्स चल रहे हैं, लाइक उसको सारे डिफरेंट टीचर से साइन हो चुके हैं। उसकी चल रहा है फिजिकल एजुकेशन, साइंस, मैथ, सोशल स्टडीज एंड म्यूजिक एंड लैंग्वेज इंग्लिश, और यस यही चल रहा है उसका। सो अब उसका आखिरी पीरियड चल रहा है जो है फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ, और मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती हूँ इसकी क्लासेस से कि इसको मेडिटेट भी करवाते हैं, वो योगा भी करवाते हैं। लाइक कितना अच्छा है कि इसी उम्र में से उसको पता चल जाएगा कि योगा एंड मेडिटेशन कितनी बेनिफिशियल है, और हम लोगों को अब पता चला है बूढ़े होके। हमारे स्कूल्स में हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते जितना वो स्टडी को देते हैं, एकेडमिक, बस एकेडमिक की तरफ ही ध्यान दें, पढ़ाई की तरफ ही दें, हेल्थ उल्थे देखी देखी जाएगी। सो दैट्स वेरी गुड कि उसे ये चीज़ें ऑलरेडी पता है, उसका 6 साल का ब्रेन है और उसे ऑलरेडी ये चीज़ें पता है। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी सरप्राइज। समटाइम जब मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हूँ कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, तो वो कहता है मामी काम डाउन, ब्रीद इन ब्रीद आउट, और मुझे बता रहा है कि ऐसे करो। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपने उसकी स्टोरीज कितनी बार देखी होंगी, वो ऐसे करता है, इतना अच्छी तरह इनहेल एंड एक्सहेल करता है वो, लाइक अद्दा तो उन्हें अपना सॉल्व कर लिए प्रॉब्लम। सो यार मैं आराम से बैठ के चाय पीती हूँ, आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में कोई मे बी नई इन्फॉर्मेशन लेके। अभी सिर्फ 1:30 हुए हैं और मोस्टली मेरी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। सो
And I'm gonna watch TV. Up under the town we fly. Clean it up just to make it filthy. Under the sheets on land. दोस्तों सो मैं यहाँ पे बैठ के चिल कर ली हूँ. कल हमारी एनिवर्सरी थी और मैंने व्लॉग बनाना शुरू कर लिया था. मुझे लगा था कि नन्ना मन्ना सब कुछ तो सेलिब्रेट करेंगे, केक कट करेंगे या कुछ भी करेंगे. पर लेटर इवनिंग में मुझे मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो गया क्योंकि मैंने बहुत सारा नाच गा लिया था. अगर आप मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरीज देखते हो तो आपने देखा होगा. सो फिर मैं नहीं जा पाई बाहर और हस्बैंड भी कुछ नहीं लेके आए. तो इसी तरह हमारा एनिवर्सरी निकल गई और मैं बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रही थी तो मैंने कुक भी नहीं किया. सो जो लेफ्ट ओवर फूड था कल का वही हम लोगों ने खा लिया. एक्चुअली आज अगली सुबह है, मैं कल के बारे में बात कर रही होगी. कुछ भी मैंने शूट नहीं किया, कुछ भी बनाया नहीं, डिनर भी नहीं कुक किया. किचन मैंने ऑलरेडी क्लीन कर ली थी आफ्टरनून में तो बिकेस कुक नहीं किया तो गंद नहीं था. सो यहाँ मैं जल्दी सोने के लिए चली गई थी. ऐसे ही मेरी एनिवर्सरी ख़त्म हो गई, एंड हो गई. और हस्बैंड ने तो खास हमने एनिवर्सरी के लिए कुछ भी नहीं किया सिवाय एक दूसरे को विश करने के. और हस्बैंड ने कहा कि वीकेंड पे सेलिब्रेट करेंगे, लाइक वीकेंड पे केक करेंगे ये वो. मुझे नहीं अच्छा लगता वीकेंड पे करना. लाइक मुझे अच्छा लगता है कि जिस दिन आपकी डे है उसी दिन आपको करना चाहिए. फिर वो फीलिंग थोड़ी रहती है. हस्बैंड कहते हैं नहीं, हर कोई वीकेंड में इंजॉय करता है. वीकेंड में तब इंजॉय करें अगर आपको दुनिया को बुलाना हो. आप खुद तो कर सकते हैं ना, पर यह स्किप हो गया. सो या अब हस्बैंड कह रहे थे कि कोई बात नहीं आज हम केक लेके आएंगे, पर आज वो वाला दिन नहीं है, आज मुझे फीलिंग नहीं आ रही है. सो यस, यहीं पे ये व्लॉग फिनिश होता है. मैं मिलूंगी, आई होप आपने ये आधा अधूरा सा व्लॉग पसंद किया होगा. मैं मिलूंगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, यू गाइस ब्यूटीफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग. यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग. ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. दैट्स इट. आई लव यू गाइस सो वेरी मच. Bye. I love you, I love you, I love you, I love you.